क्या हुआ शांता? पद्मे, मैं पूरी डूब गई, फंस गई मैं। क्या हुआ शांता? ऑफिस में किसी ने छेड़छाड़ की क्या? हाँ, मैं जिंदा गाड़ दूंगी ना उसे। तुम कुछ बताओगी तभी तो समझ में आएगा ना। हाँ, मैं इनके ऑफिस में गई थी, वहाँ बहुत सारे लोग और औरतें भी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे, सिपाही था वो सिपाही, और वो भी कर्ज में डूबा हुआ। अरे, खाते पीते रोग आया क्या तुमको? अरे, भरपेट खाना मिलता है ना, अच्छा खासा देशमुख का नाम है और वो कोई भी रहने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? 17 साल संसार किया इस आदमी से, लेकिन ये आदमी मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। वो हमें भी कभी समझ में ही नहीं आया। देखे जो मैंने सपने, सतरंगी ही मगर थे। देखे जो मैंने सपने, सतरंगी ही मगर थे। ये मन ही ना क्यों समझे, वो अंतरंगी ही थे। ए, वो शेखर कौन है? अरे वो नहीं क्या, शिवराम के साथ आया था वो जमानत के लिए, सोसाइटी कर्जा। हाँ वही। ए, जाए लो। अरे हम टपकने से पहले वो गिलास बर्तन लाकर पटको यहाँ। आई आई। आप बैठिए तो, हमारी पगली है अंदर। मिसिस वो या हाले थिर किए बगैर खिलती है नहीं, आपकी सिस्टम ही है वही। ठीक है ठीक है, पर यहाँ 3-4 घर छोड़ के वो सुबानराव रहते हैं ना? वो झोड़गे, हाँ हाँ, ब्रैकेट में पाटिल लिखे है। बराबर, पाटिल जी। वो 95, हम 96। मतलब है? मतलब अरे देशमुख, हम देशमुख है 96। अच्छा, अच्छा। अरे देशमुख क्या, पाटिल क्या, कामले क्या, हम सब इंसान होते हैं। ए, तुम्हारे मायका चाय खत्म हुई या पतेला फूटा? आई आई। हाँ आई है ना। जाइए अंदर, आपको देखने नहीं आए। सिस्टम आपकी ये सिस्टम है ना, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसी ही सिस्टम होनी चाहिए, तभी तो कंट्रोल रहता है। बैठे तो ला उठे ही बुक्का चाहिए, सिस्टम बराबर है कि नहीं? अरे लेकिन फिर फैमिली लाइफ का क्या? वो क्या होता है? जाने दो, वो कुछ नहीं होता, आपका चालू रहने दो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, सुबह नया 95, हम 96। एक बार जमीन का काम होने दो, उस सुबैनों को नौकर बना कर रखता हूँ कि नहीं देखिए। जाए लफड़े की जमीन सस्ते दामों में लेकर डेवलप करके बेचना, बहुत पैसा मिलता है। हाँ आप उतना फंड का लोन मंजूर कीजिए, और वो सोसाइटी का भी देखिए। हाँ कैसा है, उतना जमानत का भी देखिए। हाँ फंड के लोन का देखता हूँ, लेकिन जमानत नहीं दूंगा। अरे प्लॉट देता हूँ ना आपको। शिवराम बापू, अभी आता हूँ मैं। अरे ये तो चले गए। और कितने लोगों को धोखा देगा रे? हाँ प्लॉट इन्हें किया ही नहीं होगा। देशपांडे को भी कह दिया था कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, लेकिन अब ध्यान में रखो, हाँ एडवांस लिए बगैर बिल्कुल भी काम शुरू नहीं करेंगे। महिला आपकी मैरिज करके दी, यही पर गलती हुई, शादी नहीं करके देनी चाहिए थी, बंद करके रखता ना तो समझ में आ जाता। हाँ मैं पद्मा हूँ, शांता नहीं। मतलब अभी भी वो वही चे? अरे रहने दो ना, अच्छा ही है, उतनी ही मदद होगी। कौन सी? वो मैंने कहा मुझे इनके जगह पर नौकरी लग सकती है। कौन सी? अब पढ़ी लिखी तो हो नहीं, मैं तो सिपाही की है। फिर तो अच्छा ही है ना, उतने 4 पैसे मिल जाएंगे। हाँ पर मैं बोल देती हूँ, मैं पढ़ूंगी ही, ऊपर की पोस्ट कैसे मिलेगी?
हेलो मैडम। क्या क्या कहते हैं नए सहकारी? अब क्या बताए मैडम आपको, अब आपकी ही अनुकंपा है। हा? नहीं मतलब आपकी कृपा रहेगी तो क्या मुश्किल है। जैसी आपकी आज्ञा मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। अब मुझे कौन पूछता है। बस क्या, अब कितना खींचोगी मैडम? उस दिन तो काफी रंगीन मिजाज थे आपके। पहले एक बार शिवराम घर लेके गया था मुझे। अब थोड़ी बहुत तो मदद करनी पड़ेगी ही ना मैडम। वैसे मदद तक ही गाड़ी रुक जाए तो ठीक है। चलिए हम कॉफी लेते हैं। बस सिर्फ कॉफी? अब और कुछ नहीं? सैंडविच, सैंडविच भी लेते हैं ना? सैंडविच भी चलेगा। चलिए फिर कॉफी के साथ ही ले लेते हैं। आइए, ठीक समय पर आए हैं आप। हाँ नहीं चाहिए, मेरा ही काम है ना। बोलिए क्या काम है। मैं क्या कहती हूँ, ऊपर की पोस्ट नहीं मिल सकती क्या मुझे? क्या है ना, आपकी पढ़ाई बीच में आती है। वैसे कितना चाहिए? कम से कम मैट्रिक। अरे बाप रे, यानी और 4-5 साल? नहीं नहीं, अरे अब आप सीधी मैट्रिक की परीक्षा दे सकती हैं, 17 नंबर। वो क्या होता है? अरे वो 17 नंबर का फॉर्म होता है ना, वो भरने का, और डायरेक्टली मैट्रिक की परीक्षा देने की। ऐसा क्या? हाँ? बहुत अच्छी जानकारी दी दी आपने, शुक्रिया, बहुत एहसान हुआ आपका। अब मैं मैट्रिक होंगी। वाह, आती हूँ। हाँ अरे शिवरामा, ऐसा कैसा चला गया रे मेरा बेटा, अब मैं क्या करूँ, किसकी तरफ देखूँ रे? अरे अब इन सब का कैसा होगा, ये बीबी बेटी छोड़ के कैसा चला गया रे शिवरामा, ऐसा कैसा चला गया तू मुझे छोड़कर, अब कैसा होगा रे मेरा, अब इस बुढ़िया को कौन संभालेगा रे, हमें अकेला छोड़ के गया है शिवराम, ऐसा कैसा चला गया तू, अरे अब हम किसकी तरफ देखेंगे, कौन है रे हमारा बाबा, मेरे बच्चों का क्या होगा रे शिवराम, क्यों गया रे छोड़ के हमको ऐसा, ए शिवराम। भाइयों, ये घटना बेहद ही दुखदायक है। माने और देशपांडे की जिंदगी में जो चौंकाने वाली घटना घटी है, इस अवसर पर आप यहां आए इसलिए आप सभी का धन्यवाद। वैसे तो धन्यवाद मानना नहीं चाहिए, फिर भी धन्यवाद। हम तो हैं ही, लेकिन पड़ोसी भी चाहिए। आप यहां आए इसलिए आप सभी का फिर से शुक्रिया। जो हुआ वो बुरा ही हुआ, पर उनकी आदतें? अरे धीरे बोलो ना जरा, लीवर खराब हुआ था फिर क्या होगा? घटना क्या घटी है और आप क्या बात कर रही हो, उनके बीवी और बेटी को इस समय हमें हौसला देना चाहिए। बिल्कुल सही है। थोड़ा शांत बैठो ना, देशपांडे बोल रहे हैं ना। अरे शिवरामा, जाना है हमें, देर हो रही। होए होए, मेरे हिसाब से नमस्कार करो सब लोग, देशपांडे को बोलकर चलते हैं। अरे शिवरामा, ऐसा कैसा चला गया रे मेरा बेटा, अब मैं क्या करूँ, किसकी तरफ देखूँ रे, अरे अब इन सब का कैसा होगा, ये बीबी बेटी छोड़ के कैसा चला गया रे शिवरामा, ऐसा कैसा चला गया तू मुझे छोड़कर, अब कैसा होगा रे मेरा, अब इस बुढ़िया को कौन संभालेगा रे, ऐसा कैसा चला गया तू, अरे अब हम किसकी तरफ देखेंगे। बस अब मैं पढ़ूंगी, मैट्रिक होंगी। अब इस उम्र में पढ़ने की क्या जरूरत है तुझे? जो तुरिश मीठी यादें जीवन से हमको मिलती, जो तुरिश मीठी यादें।
तुम्हारे जीवन से हमको मिलती तन्हाई में जो तड़पे सतरंगे अगर थे सतरंगे अगर थे। सतरंगी ही मगर थे सतरंगी।